हे गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल, माइसेल्फ आयुषी। तो लास्ट की वीडियो तक मैंने केमिस्ट्री का चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे दिए थे। और आज की वीडियो में मैं एसएसटी से स्टार्ट करूंगी, सिविक्स। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है इसका पावर शेयरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन हमेशा रहेगा, और इम्पॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि ये इजी चैप्टर है और जल्दी कवर हो जाएगा, मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है। तो मैं एनसीईआरटी से एक एक लाइन बाई लाइन आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर पैरा से बताती जाऊंगी, जो इम्पॉर्टेंट है प्लीज मार्क कर लीजिएगा। लेकिन बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आगे किस टाइप की वीडियोज आपको चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेल्जियम एंड श्रीलंका, ये दोनों कंट्रीज हैं, ठीक है। पहले बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री है, बेल्जियम एक कंट्री है, बहुत छोटा सा कंट्री है यूरोप में, जिसका एरिया जो है हमारे हरियाणा स्टेट से भी छोटा है, ठीक है। बेल्जियम का जो बॉर्डर है वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग, इससे वो बॉर्डर को शेयर करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, नेम द कंट्रीज विथ विच बेल्जियम शेयर इट्स बॉर्डर। तो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। इट हैज अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। इसका जो पॉपुलेशन है वो है लिटिल ओवर 1 करोड़, और या फिर अपने हरियाणा जो स्टेट है हम लोग का, उसका आधा। यहाँ का जो छोटा कंट्री होने के बाद भी जो इसका कॉम्पोजिशन है, एथनिक कॉम्पोजिशन, वो छोटा, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इस पूरे कंट्री का जो 59% पॉपुलेशन है वो फ्लेमिश रीजन में रहता है। कोई रीजन है वहां पे जिसको फ्लेमिश रीजन को बोलते हैं, वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, और वहां के लोग जो है वो डच बोलते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं। 59% फ्लेमिश रीजन डच बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। और अनदर 40% पीपल जो है वो वालोनिया रीजन में रहते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है। यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, राइट द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ रिमेनिंग 1%, अब 1% जो बच रहे हैं बेल्जियंस, वो जर्मन बोलते हैं, ठीक है। ये था पूरा कंट्री का, अब वहां का जो कैपिटल का क्या है, तो इन कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, ये भी पूछ सकता है नेम द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम, तो आप ब्रुसेल्स लिख देना 1 मार्क में, ठीक है। या फिर ये भी पूछ सकता है नेम द राइट द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्रुसेल्स, तो 80% पीपल जो है वहां फ्रेंच बोलते हैं कैपिटल में, और 20% डच, बिल्कुल ऑपोजिट है। कंट्री में क्या हो रहा था, 59% लोग फ्लेमिश बोल रहे थे, ज्यादा लोग फ्लेमिश बोल रहे हैं, डच कम लोग बोल रहे हैं 40%, लेकिन कैपिटल में 80% लोग फ्रेंच बोल रहे हैं, ठीक है, और 20% लोग डच बोल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। नाउ द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। अब जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी था, 40% जो कंट्री में था, वालोनिया रीजन में रहता था, वो लोग रिच और पावरफुल है। दिस वॉज रिजेंटेड बाई द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये लोग ऑलरेडी रिच था, तो ये लोग को ना मिलके डच वाले लोग को बेनिफिट मिलता था इकोनॉमिक डेवलपमेंट गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। इन एजुकेशन एंड मच लेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन में ये लोग को प्रॉफिट मिलता था। तो इससे क्या होता था, ये टेंशन, मतलब बहुत कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ये करता था डच और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज में ड्यूरिंग 1950s एंड 1960s। The tension become more, the two communities were more acute in Brussels. ये कंट्री में तो फिर भी कम था, लेकिन ज्यादा एक्यूट था ब्रुसेल्स में, वहां का कैपिटल स्टेट में। ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल पावर, द डच स्पीकिंग कम्युनिटी, द डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूटेड अ मेजोरिटी इन द कंट्री बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल। ब्रुसेल्स जो था वहां का स्पेशल प्रॉब्लम था कि जो डच स्पीकिंग पीपल थे वो मेजोरिटी थे कंट्री में, लेकिन माइनॉरिटी थे कैपिटल में, मैंने अभी लास्ट पैरा में ही बताया। तो अब हम लोग नाउ लेट्स कम्पेयर दिस टू सिचुएशन इन अनदर कंट्री। अब ये जो सिचुएशन था हम लोग दूसरे कंट्री में देखते, तो बेल्जियम हम लोग बेल्जियम देख लिए। अब श्रीलंका, श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन है, जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु जस्ट थोड़े किलोमीटर्स बाद श्रीलंका है, ठीक है। इट हैज अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम इन हरियाणा, ठीक है, यहाँ पे भी बस 2 करोड़ लोग रहते हैं जैसा कि हरियाणा में। लाइक अदर नेशन इन साउथ एशिया रीजन, ठीक है, श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन, यहाँ का बहुत डाइवर्स पॉपुलेशन है। यहाँ का जो मेजर सोशल ग्रुप है आर सिन्हाला स्पीकर, यहाँ पे सिन्हाला स्पीकर्स हैं एंड तमिल स्पीकर्स हैं, दो टाइप के स्पीकर्स हैं, सिन्हाला स्पीकर्स, तमिल स्पीकर्स। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट द कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका, ठीक है, यह आ सकता है 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में भी आ सकता है। तो श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन, द मेजर सोशल ग्रुप आर सिन्हाला स्पीकर्स एंड तमिल स्पीकर्स। सिन्हाला ज्यादा है 74%, तमिल कम है 18%। अब तमिल में से भी दो टाइप के हैं, अमंग तमिल देर आर 2 सब ग्रुप्स, तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री, वहां के जो तमिल स्पीकर्स हैं वो, और जो इंडिया के हैं, यहाँ पे देखते हैं।
ठीक है, तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री उसको बोलते हैं श्रीलंकन तमिल्स, वो तमिल जो कि ऑलरेडी श्रीलंका में रहते हैं वो है 13%। ठीक है, द रेस्ट हु फोर फादर केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग कोलोनियल पीरियड आर नोन एज इंडियन तमिल्स। अब जो बाकी लोग हैं वो इंडियन तमिल्स हैं, वहां के जो तमिल स्पीकर्स वो दो टाइप के, श्रीलंकन तमिल्स इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स वो तमिल जो वहां पहले से रहते हैं, और इंडियन तमिल्स वो हैं जिनके फोर फादर यानी पूर्वज इंडिया से प्लांटेशन वर्कर्स थे, वो लोग कॉलोनियल पीरियड में वहां चले गए थे, वो हैं इंडियन तमिल्स। ठीक है, एज यू कैन सी द फ्रॉम द मैप श्रीलंकन तमिल्स आर कंसेंट्रेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कंट्री। ये मैप देख लेंगे हम लोग, उसमें तमिल जो है वो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में पूरा कंसेंट्रेटेड है, पूरा भरे हुए वहां पे। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला पीपल आर बुद्धिस्ट, सिन्हाला पीपल बुद्धिस्ट रिलीजन के, वाई तमिल्स जो है वो हिंदूज और मुस्लिम्स है। ठीक है, दे आर अबाउट 7% क्रिश्चियन, वहां 7% क्रिश्चियन भी है, हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला। ठीक है, ये पूरा जो कॉम्पोजिशन था बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, जस्ट इमेजिन वॉट कुड हैपन इन द सिचुएशन लाइक दिस। इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ द न्यूमेरिक मेजोरिटी एंड फोर्स इट्स विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये पैराग्राफ क्या बोल रहा है कि इन बेल्जियम क्या है कि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो एडवांटेज ले सकता है न्यूमेरिक मेजोरिटी का, एंड इट विल फोर्स एंड फोर्स इट्स विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग। यहाँ पे मेजोरिटी है तो वो लोग फोर्स कर सकता है। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द कम्युनिटीज। अब वो लोग न्यूमेरिक में ज्यादा है, वैल्यू में ज्यादा है, तो वो लोग फोर्स कर सकते हैं जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, वहां पे झगड़ा लड़ाई हो सकता है। दिस कुड लीड टू वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। इसका पार्टीशन भी हो सकता है, ये सब जो कंडीशन वहां पे उत्पन्न होगा उससे वहां पे पार्टीशन भी हो सकता है। बोथ द साइड्स कुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स। ठीक है, इन श्रीलंका द सिन्हाला कम्युनिटी एंजॉयड एन इवन बिगर मेजोरिटी। अब जो श्रीलंका में सिन्हाला कम्युनिटी का ज्यादा है, ठीक है, और वो बिगर मेजोरिटी एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन एंटायर कंट्री। नाउ लेट अस सी व्हाट कुड हैपन इन दीज टू कंट्री। ठीक है, अब हम लोग चलिए देखते हैं कि आखिर लास्ट में हुआ क्या इस कंट्री, क्या सच में पार्टीशन हुआ या फिर वहां के लोगों ने कुछ उपाय किया इस। ठीक है, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब है कि ये एक बिलीफ है जिसे जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो किसी भी तरह से कंट्री पे रूल कर सकती है, वो उनकी मर्जी, या तो वो माइनॉरिटी का फीलिंग्स को डिसरिगार्ड करे, उन लोग की बातों को ना सुने। ठीक है, मेजोरिटेरियनिज्म में मतलब बस वही है कि वो मेजोरिटी कम्युनिटी है, वो जैसे मन करेगा वैसे रूल करेगा। तो श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री 1948। एक मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन डिड श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। ठीक है, आंसर है 1948। द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मेजोरिटी। ठीक है, अभी वही हुआ, जो सिन्हाला मेजोरिटी था वो डोमिनेट किया माइनॉरिटी को और गवर्नमेंट और अपना मेजोरिटी होने का फायदा उठाया। एज द रिजल्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड द सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन। वही हुआ कि अब जो डेमोक्रेटिक कंट्री था वो मेजोरिटेरियन का ये बिलीफ को एक्सेप्ट कर लिया। मेजर्स टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। अब वहां पे सिन्हाला लोग का सुप्रीमेसी मतलब सिन्हाला लोग सुपीरियर हो गए, अब लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। इन 1956 एन एक्ट वॉज पास टू रिकोगनाइज सिन्हाला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। अब वहां पे मेजोरिटी थे सिन्हाला, तो बस अब लोग दादागिरी दिखा रहे थे वहां पे, तो 1956 में एक एक्ट आया जिससे वो बोला गया कि जो सिन्हाला है वो ओनली ऑफिशियल, वहां का ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, दस डिसरिगार्डिंग तमिल। अब तमिल को पूरा डिसरिगार्ड मिलने लगा। ठीक है, द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजिशन एंड गवर्नमेंट जॉब। अब गवर्नमेंट भी यही करने लगी, वो लोग ज्यादा सिन्हाला लोग को प्रेफर करने लगी, उन लोग को अच्छा एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजिशन एंड गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिप्यूएटेड दैट स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। अब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो भी ये बात मान रहा था कि जो स्टेट है उसको प्रोटेक्ट करना होगा बुद्धिज्म रिलीजन को। ठीक है, क्योंकि बुद्धिज्म सिन्हाला लोग थे, बुद्धिज्म रिलीजन के वो लोग मेजोरिटी थे, अब बस मेजोरिटी का ही पूरा दादागिरी चल रहा था वहां पर। ठीक है, ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन। अब जो ये चीजें हो रही थी, अब फीलिंग ऑफ एलिनेशन मतलब कि पूरा डोमिनेट होने का जो फीलिंग आ जाता है श्रीलंकन तमिल्स के अंदर आने लग गया। दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स वो सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। अब बस उन लोगों को लग रहा था कि कोई जो पूरा बुद्धिस्ट का सिन्हाला जो लोग हैं वो लोग बस अपने ही बारे में सोच रहे हैं, वो लोग बिल्कुल केयर नहीं कर रहे उन लोग के लैंग्वेज, तमिल्स के लैंग्वेज और कल्चर पे। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज denied them equally
denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities, and ignored their interest. अब बस वही लग रहा था कि वो लोग dominate हो रहे हैं, वो लोग को job में, opportunities में, हर जगह ignore किया जा रहा था, ठीक है? As the result, the relation was, मतलब पूरा worsened हो गया था वहाँ का relation, ठीक है? तो ये भी important question है, ठीक है? तो यहाँ पे बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटी स्ट्रेंड ओवर टाइम, मतलब उन लोग का जो रिलेशन था बहुत वर्स हो गया था, मतलब एक दूसरे को लोग देखना नहीं चाह रहे थे, रिलेशन बहुत खराब हो गया था. द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज. अब जो श्रीलंकन तमिल्स है वो पार्टीज और स्ट्रगल्स लॉन्च करे ताकि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया. फॉर रिलीजन ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स, ठीक है? बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड By the Tamils was repeatedly denied. मतलब ये जितना भी वो लोग कर रहे थे, अपना डिमांड को रख रहे थे, वो रिपीटेडली डिनाई कर दिया जा रहा था, क्योंकि अब पता है वहां सिन्हाला ज्यादा है, उन लोग का बात माना जाएगा. मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब ही यही है कि मेजोरिटी कम्युनिटी का बात माना जाएगा, बस जो माइनॉरिटी उन लोग को डोमिनेट किया जाएगा, ठीक है? Now in by 1980 several political organizations were formed demanding an independent तमिल इलाम स्टेट. इलम मतलब स्टेट, ठीक है? अब 1980s तक बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बन गए जो कि डिमांड कर रहे थे इक्वल तमिल स्टेट का, ठीक है? इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, ठीक है? द डिस्ट्रस्ट बिटवीन टू कम्युनिटीज टर्न्ड इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट. अब ये सब जो डिस्ट्रस्ट था टू कम्युनिटीज के बीच, अब ये कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो गया. अब ये सिविल वॉर, इट सून टर्न्ड इनटू सिविल वॉर. एज द रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड. सिविल वॉर हो गया, सिविल वॉर मतलब वो वॉर जो कि एक कंट्री के अंदर हो रहा है लोगों के बीच. तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत थाउजेंड्स ऑफ पीपल मारे गए, ठीक है? मेनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजीज एंड मेनी लॉस्ट देयर लाइवलीहुड. अब वहां पे इतना लोग मरने लग गया तो फैमिली फोर्स कर रहा था कि कंट्री को छोड़ के चले जाओ, फोर्स किए जा रहे थे कि वो लोग कंट्री को छोड़ के चले जाओ और लॉस्ट देयर लाइवलीहुड. You have read in chapter 1 of economics textbook class 10 about Sri Lanka's excellent record of economic development, education and health. ये हम लोग economics का बात हो रहा है, economics का chapter जब पढ़ेंगे तो ये जी बात cover होगा, ठीक है? But the civil war was has caused a terrible setback to social, cultural, economic life of the country. It ended in 2009. अब of course civil war होगा तो कितना ज़्यादा loss होता है socially, culturally, economic का, पूरा country का life, economic life ख़राब हो जाता है. और ये end हुआ 2009 में. Important है ये, मैं पूछ सकता है कि what was the distrust between two communities turned into widespread conflict? Give reason ऐसे, या फिर write about civil war of Sri Lanka, ठीक है? ये भी important question है 3 marks के लिए, ठीक है? अब हम लोग accommodation of Belgium का बेल्जियम से नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए बाय. अब मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, ठीक है?